खबर मध्य प्रदेश के पन्ना से है, जहाँ पर गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर सिमरिया में क्षत्रिय समाज की बैठक संपन्न हुई। आसपास सभी ग्रामों से आए क्षत्रिय समाज के लोग बैठक में शामिल हुए। साथ में क्षत्रिय समाज से सभी सम्मानी लोगों का एक दूसरों के गले लगाकर फूल मालाएं और साथ श्री फल से स्वागत किया गया। आगामी योजनाओं के बारे में भी चर्चा की गई। समाज में कृतियों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई एवं शिक्षा को प्रथम स्थान दिया गया। क्षत्रिय समाज से छात्र एवं छात्राएं 85 अंक 10वीं 12वीं में अंक लाते हैं, लेकिन क्षत्रिय समाज से कई परिवार ऐसे हैं जो गरीबी पर निर्भर हैं और उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसलिए वह आगे तक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। उनकी पढ़ाई यहीं पर समाप्त हो जाती है, जिससे वह सभी क्षत्रिय समाज के लोगों ने कहा कि अब कोई क्षत्रिय समाज को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। छात्र छात्राओं की इच्छा अगर आगे पढ़ाई करने की है तो वह हर संभव उनकी मदद की जाएगी। गणेश चतुर्थी के समाज का एक निर्णय हुआ कि साथ बैठ करके समाज सुधार की कुछ बातें करनी चाहिए। उन्हीं विषयों पर सभी समाज के वरिष्ठ लोगों के साथ बैठ करके चर्चा हुई और कुछ सुझाव सामने आए हैं, जिस पर आगे सभी वरिष्ठ लोग कुछ न कुछ करवाएंगे। मतलब कुछ ऐसा उद्देश्य होगा कि जो समाज को सही रास्ते में ले जाए। प्रमुखता से तो जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में क्षत्रिय समाज का योगदान तो कुछ कम है, तो उसमें सुधार करा जाना चाहिए। और जो आने वाली पीढ़ी है उसको शिक्षा की ओर कैसे मोड़ना है, कैसे प्रेरित करना है, इन्हीं विषयों पर प्रमुखता से चर्चा। जो मतलब क्षत्रिय समाज के जो कमजोर लोग हैं उनको शिक्षा को लेकर और भी जो मतलब और भी जो समस्याओं से गुजर रहे हैं उनको मदद करना कुछ। जी ये मैंने सुझाव रखा है यहाँ पे सभी समाज के वरिष्ठ लोगों के सामने, और आपके द्वारा मैं क्षेत्र के विभिन्न लोगों तक भी ये जानकारी देना चाहता हूँ कि 10वीं और 12वीं कक्षा में जो भी बच्चे बच्चियाँ 90% से ऊपर अंक लेकर के आते हैं बोर्ड की परीक्षा, और अगर उनको पढ़ाई आगे करने में उनका परिवार सक्षम नहीं है या किसी और प्रकार की आर्थिक समस्या उनको आ रही है, तो उनका जो पूरा आर्थिक बोझ है वो मैं अपने कंधों पर लूँगा। और ये उनसे वचन है कि आर्थिक कारणों से अगर वो शिक्षा आगे परस्यू करना चाहते हैं तो आर्थिक कारणों से उन्हें कोई कमी नहीं महसूस होगी, वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। धन्यवाद। आज बैठक समाज सुधार के संबंध में हुई कि जो हमारी समाज है उनमें जो कुरीतियाँ हैं वो कैसे खत्म की जाए और शिक्षा के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़े, क्योंकि हमारे क्षेत्रीय समाज में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी क्षेत्र में सबसे आगे, क्योंकि सिमरिया क्षेत्र और सवाई विधानसभा और भी ज़्यादा पीछे हैं हम लोग। तो हम लोग चाहते हैं हमारी समाज का समग्र विकास हो और जो हमारे आने वाली जनरेशन हो उनका। समस्या जैसे समाज की है, कुछ कमजोर वर्ग के लोग भी है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, या कैसे मदद करेंगे उनके लिए भी आप लोग आगे आएंगे? उनके लिए हम सब लोग समाज के लोग सभी मिलकर मदद करेंगे। अब जो समस्या ये आती थी वो नहीं आई, क्योंकि सब लोगों का सहयोग है। धन्यवाद। पन्ना से सुरेंद्र सिंह परिहार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।